हेलो नमस्कार मित्रों, हम शुरू कर रहे हैं RRB PO के लिए स्टैटिक GK का एक नया सीरीज़। क्योंकि आपको पता है अगले महीने की 18 तारीख को होने वाला है IBPS RRB PO मेंस, तो उसके पहले हम जल्दी से जल्दी डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन, क्योंकि वन बाय वन रोज़ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि RRB PO में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है स्टैटिक, स्टैटिक का पोर्शन वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। तो देख बिना देरी करे शुरू करते हैं हम बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट ऑफ फर्स्ट इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम, यानी बैंकिंग सिस्टम में पहली चीज़ आई थी, सबसे पहले कौन सा बैंक आया था, सबसे पहले कौन सी योजना इसमें शुरू करी गई थी, उसकी बात करते। देखो फर्स्ट बैंक कौन सा था भारत में, यानी भारत में आया ही हुआ पहला बैंक कौन सा था, तो वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये सब मेरे नोट्स हैं जिसके द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट बैंक मैनेज बाय इंडियंस, यानी पहला जो बैंक था जिसे मैनेज करा गया था भारतीयों द्वारा, भारत जिसमें भारत के लोग थे, तो वो कौन सा था, अवध कमर्शियल बैंक। कौन सा था वो, अवध कमर्शियल बैंक। फर्स्ट बैंक विथ इंडियन कैपिटल, यानी कि भारतीयों द्वारा पैसा लगाया गया था, इंडियन कैपिटल जिसमें लगाया गया था वो कौन सा था, वो था पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, मैनेज करा कौन सा था, मैनेज किसके द्वारा किया गया था, वो अवध था, और जिसमें भारतीयों का पैसा लगा था वो कौन सा था, पंजाब नेशनल बैंक। फर्स्ट ट्रूली स्वदेशी बैंक, स्वदेशी बैंक कौन सा था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। स्वदेशी बैंक इसको क्यों बोला, क्योंकि ये स्वदेशी मूवमेंट था जिसको हम आगे चल के बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ेंगे, उसमें आया था ये, उसके बाद स्थापित किया गया था, तो था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, वह बैंक जिसको पहला ISO सर्टिफिकेट मिला था भारत का कौन सा था, तो वो था कैनरा बैंक। कौन सा था वो, कैनरा बैंक। पहला भारत का बैंक जिसने विदेशों में अपनी शाखा खोली थी कौन सा था, बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा था, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला बैंक जो भारत में ATM लेकर आया था वो कौन सा था, HSBC, हांगकांग शंघाई बैंक कॉरपोरेशन। ठीक है, कब, 1987 में मुंबई में लाया था। ठीक है, ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक, इलाहाबाद बैंक। ठीक है, जॉइंट स्टॉक बैंक कौन सा था, ओल्डेस्ट, इलाहाबाद बैंक। ठीक है, फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक, यानी यूनिवर्सल बैंकिंग शुरू करी गई थी, वो था ICICI बैंक। पहला बैंक जिसने सेविंग अकाउंट शुरू किए थे तो वो कौन सा था, प्रेसिडेंसी बैंक था। कौन सा बैंक था, प्रेसिडेंसी बैंक था। ठीक है, फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस चेक सिस्टम, चेक सिस्टम को शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था, तो था बंगाल बैंक। ठीक है, पहला बैंक जिसने इंटरनेट बैंकिंग शुरू करी थी वो कौन सा था, ICICI बैंक। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पहला बैंक जिसने म्यूचुअल फंड्स बेचे थे पहली बार, तो वो कौन सा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्रेडिट कार्ड्स जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। पहला RRB जिसने कौन सा था, प्रथमा, ये किसके द्वारा खोला गया था, सिंडिकेट बैंक द्वारा। इस सिंडिकेट बैंक इसका स्पॉन्सर बैंक था, प्रथमा रीजनल रूरल बैंक का, ये उत्तर प्रदेश में खोला गया था। ठीक है, पहला बैंक जिसे मिला था प्रिंसिपल बैंकिंग लाइसेंस, तो वो था IDFC और बंधन बैंक, IDFC और बंधन बैंक। ठीक है, दोनों बैंक को साथ में दिया गया था। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया, मर्चेंट बैंकिंग शुरू करने वाला भारत का बैंक कौन सा था, तो था ग्रंथालय बैंक। अब शायद नहीं है ये, तो ये ग्रंथालय बैंक था। ठीक है, फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी को पता है, ICICI बैंक। ठीक है, फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस वॉइस बायोमेट्रिक, वॉइस बायोमेट्रिक शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था, तो था सिटी बैंक, ब्रिटेन की बैंक है, पता ही है सबको ना। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस रोबोट इन बैंकिंग सर्विस, तो रोबोट किसने शुरू किया था, HDFC बैंक ने। पहला पेमेंट बैंक कौन सा था, सभी जानते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक था। ठीक है, फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा था यहाँ पे, तो कैपिटल है ना स्मॉल फाइनेंस बैंक था, पहला बैंक, पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, देखो पहला बैंक जिसने मसाला बॉन्ड जारी करे थे वो कौन सा था, HDFC बैंक। कौन सा था, HDFC बैंक। फर्स्ट मल्टी करेंसी है ना इंस्टॉल डेबिट कार्ड, इंट्रोड्यूस डेबिट कार्ड, तो है ना मल्टी करेंसी ने बहुत सारी करेंसी में ना डेबिट कार्ड किसने शुरू करा था, SBI ने करा था। फर्स्ट बैंक टू प्रोवाइड मोबाइल ATM, मोबाइल ATM शुरू करने वाला पहला बैंक कौन था, ICICI बैंक। फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI कौन थे,
ऑस्बर्न स्मिथ। कौन थे? ऑस्बर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था यहाँ पे? तो वो था सीडी देशमुख। और फर्स्ट डिजिटल बैंक कौन सा था? तो वो था डीजी बैंक। कौन सा था?